तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पबजी मोबाइल की 0.19.0 की नई अपडेट के बारे में कि इस अपडेट के अंदर आपको कौन सा नया मैप देखने को मिलेगा, कौन कौन सी नई गन्स देखने को मिलेंगी, उसके अलावा आपको कौन से व्हीकल्स देखने को मिलेंगे और इसके मैप में क्या क्या नई चीज़ें होंगी और ये अपडेट आखिरकार कब रिलीज होगी, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, एक और चीज़ कि आप इस अपडेट को रिलीज़ होने से पहले किस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं टेक्नो अदनान यूट्यूब चैनल। सो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं टेक न्यूज़, अनबॉक्सिंग रिव्यूज़, ऐप रिव्यूज़, हाउ टू और टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, बिल्कुल इसी वीडियो की तरह। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। सो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस अपडेट के अंदर जो 0.19.0 की अपडेट है, इसके अंदर जो हमें न्यू मैप देखने को मिलेगा, इसका क्या नाम होगा। सो गाइस, इस मैप का नाम लिविक होगा और ये मैप एक तरह से तकरीबन चारों मैप का मिक्सचर होगा। सो इस मैप के अंदर आपको टॉप राइट कॉर्नर का जो एरिया होगा उसमें ज़्यादातर स्नो देखने को मिलेगी और इसका जो लेफ्ट बॉटम साइड का एरिया होगा उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डेजर्ट देखने को मिलेगा और बाकी जितनी भी जगह बची है वहाँ आपको ग्रीन लैंड और ट्रीज वगैरह देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए इस मैप के साइज़ के हवाले से, तो ये मैप जो है वो 2.2 किलोमीटर का मैप होगा, यानी कि ये जो मैप है ये चारों मैप के मुकाबले में सबसे ज़्यादा छोटा मैप होगा। इस मैप के अंदर बिल्डिंग्स और हाउस और रोड्स वगैरह की जो शेप्स और पैटर्न होगा वो भी बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा और इस मैप के अंदर कुछ नए वाटर फिजिक्स भी अप्लाई किए गए हैं, यानी कि आपको इस मैप के अंदर वाटरफॉल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। और तो और इस मैप की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई वो ये है कि इस मैप में कुछ जगहें ऐसी होंगी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्रेट्स पड़े हुए मिलेंगे, जैसे कि कोई इंसान मर जाता है तो उसका एक क्रेट बन जाता है, इसी तरीके से आपको बहुत सारे क्रेट्स एक जगह पे पड़े हुए मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी जगहें होंगी और उन क्रेट्स के अंदर आपको स्कोप और सेक्स और बाकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ पे जाके उन क्रेट्स से लूट कर सकते हैं। सो अगर बात करें इस मैप के व्हीकल्स के हवाले से, जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं फॉर एग्जांपल मोटर बाइक्स, यूएसी और बगी वगैरह, वो तमाम व्हीकल्स आपको इस मैप के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एक नया व्हीकल इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिस व्हीकल का नाम मॉन्स्टर ट्रक होगा। सो इस ट्रक की खासियत ये होगी कि आप इस ट्रक को कहीं भी चला सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस ट्रक को स्नोन वगैरह के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं इस अपडेट के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाली दो नई गन्स के बारे में। सो इनमें से एक गन जो होगी वो शॉर्ट गन होगी जिसका नाम STAS-12 है और दूसरी न्यू गन जो हमें देखने को मिलेगी वो एक DMR गन होगी जिसका नाम MK-12 होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन सब अपडेट से भरा ये मैप और ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें 7 जुलाई को देखने को मिलेंगी, यानी कि इस अपडेट को ऑफिशियली 7 जुलाई को रिलीज़ किया जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं कि अभी आप इस अपडेट को किस तरीके से खेल सकते हैं। सो अभी आप लोग इस अपडेट को बीटा वर्जन में इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बीटा वर्जन में अगर आप इस अपडेट को इंजॉय करना चाहते हैं और इस अपडेट को खेलेंगे तो इस अपडेट की जो बहुत ज़्यादा लैग्स हैं और ग्लिच हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और अगर आप ये 7 जुलाई की बात खेलेंगे तो इसके अंदर आपको कोई भी लैग या ग्लिच देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।